मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पुणे से फिर एक बार हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, वहीं एक युवक की मौत हो गई है। इस वारदात को लेकर पुणे पुलिस ने अब गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1:30 के आसपास में ये घटना सामने आई है, जब कार के ड्राइवर ने पहले तो तेज रफ्तार चलाते हुए गाड़ी एक एक्टिवा स्कूटर पर सवार 3 लोगों को ठोकर मार दिया। इसके बाद आगे एक्सिस गाड़ी से चलने वाले रऊफ अकबर शेख नाम के युवक को पीछे से ठोकर मारी, जिसमें रऊफ गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर इलाज के दौरान रऊफ की मौत हो जाने की खबर अस्पताल के डॉक्टरों ने दी। तो इन दोनों भी एक्सीडेंट की वारदात को अंजाम देने के बाद बिना रुके ड्राइवर कार समेत वहां से फरार हो गया था, लेकिन घटना स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार का नंबर साफ साफ फुटेज में दिखाई दिया और पुलिस ने इस मामले में 34 साल के आयुष प्रदीप दयाल नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जो हड़पसर इलाके का रहने वाला है। तो वहीं इस वारदात को लेकर पुलिस ने मुढ़वा पुलिस थाने में आयुष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है, जिसके साथ एक्टिवा गाड़ी पर सवार 3 लोग जो घायल हुए थे मामूली रूप से उन्हें इलाज के बाद घर जाने दिया गया। इस घटना के दौरान आयुष ने किसी तरह का नशा किया था या नहीं किया था, इसकी भी पुलिस आगे जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरे घटना को लेकर डीसीपी आर राजा ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। आज सवेरे 1 से 2 बजे के बीच में एक 2-व्हीलर गाड़ी जाते वक्त उनको एक 4-व्हीलर गाड़ी ने उड़ाया था और उसमें वो 2-व्हीलर गाड़ी का चालक जख्म हुआ है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती की, उसमें उपचार का टाइम पे उनका डेथ हुआ है। उसके हिसाब से हमने एविडेंसेस वगैरह चेक करके हमने आरोपी को अटक किए हैं। और दारू का हम अभी बता नहीं सकते हैं, उनको मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है, उनका मेडिकल करके आएगा, उसका रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पे हम बोल सकते हैं।